नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश अग्रवाल एक्सपोर्ट इंपोर्ट फॉरेन ट्रेड की ट्रेनिंग का आज एक नया एपिसोड, एक नया वीडियो पार्ट 3 आपके सामने प्रस्तुत है। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया, मैं आपको पूरा फॉरेन ट्रेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। आज इस पार्ट नंबर 3 में मैं आपको बताऊंगा कि एक फॉरेन ट्रेड के बिजनेस को शुरू करने के लिए, एक बिजनेस को डील को कंप्लीट करने के लिए कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती है, कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट करता है, तब कहीं जाकर पूरा एक बिजनेस डील एक्सपोर्ट का या इंपोर्ट का कंप्लीट होता है। तो आज का सब्जेक्ट है पार्टीज इन्वॉल्व इन फॉरेन ट्रेड या पार्टीज इन्वॉल्व इन एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस। सबसे पहली आवश्यकता जो होती है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बिजनेस के लिए, वो होती है एक एक्सपोर्टर की आवश्यकता, दूसरा होता है इंपोर्टर, यानी इन दो पार्टियों के बिना तो फॉरेन ट्रेड हो ही नहीं सकता। पर इसका ये मतलब नहीं है कि अगर एक एक्सपोर्टर है एक इंपोर्टर है तो बिजनेस हो जाएगा, इसके अलावा भी बहुत सारी पार्टीज इन्वॉल्व होती है, तब कहीं जाकर पूरा फॉरेन ट्रेड कंप्लीट होता है। एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के अलावा तीसरी जो पार्टी इन्वॉल्व होती है वो होती है बैंकिंग, बैंक्स, क्योंकि फॉरेन ट्रेड में पेमेंट एक देश से दूसरे देश में बैंक टू बैंक पहुंचाया जाता है, कैश ट्रांजेक्शन फॉरेन ट्रेड में अलाउ नहीं होते हैं, इसलिए एक इंपोर्टर के द्वारा किया जाने वाला भुगतान अपनी बैंक के माध्यम से एक्सपोर्टर की बैंक अकाउंट में किया जाता है। तो फॉरेन ट्रेड में बैंक का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। बैंक के बारे में हम आगे वाले आने वाले जो नए वीडियोस आएंगे उसमें आपको डिटेल बताएंगे कि बैंक क्या क्या काम करता है। तो इंपोर्टर एक्सपोर्टर के पास बैंक की आवश्यकता होती है, इसके साथ साथ आवश्यकता होती है शिपिंग कंपनी। बिना शिपिंग कंपनी के माल एक देश से दूसरे देश में ट्रांजिट या ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता। शिपिंग कंपनियां यानी सी के थ्रू शिप्स, एयर के थ्रू एयरप्लेन, रोड के द्वारा ट्रक्स और ट्रेन के द्वारा भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का बिजनेस किया जाता है। शिपिंग कंपनी के साथ जो दूसरे लोग काम करते हैं जैसे शिपिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, इनका भी फॉरेन ट्रेड में या एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये शिपिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट एक एक्सपोर्ट या इंपोर्ट की डील को कंप्लीट करने में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं, तो इनका भी इस ट्रेड में अपना एक स्थान है। इंपोर्टर एक्सपोर्टर बैंक शिपिंग कंपनी शिपिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट और फॉरेन ट्रेड में रिस्क बनी होती है, इसलिए इंश्योरेंस कंपनियां, इंश्योरेंस कंपनी का भी रोल फॉरेन ट्रेड में बहुत महत्वपूर्ण है। इनके योगदान के बिना फॉरेन ट्रेड के होने वाले ड्यूरिंग ट्रांजिट या किसी और प्रकार के नुकसान की भरपाई को कर पाना मुश्किल होता है, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी का होना भी अनिवार्य है। फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण एक व्यक्ति, एक कंपनी या एक संस्था हमसे जुड़ती है जिसको कहते हैं CHA, कस्टम हाउस एजेंट। हम आने वाले वीडियोस में इन सारे विषयों पर डिटेल से पढ़ेंगे, पर आज हम पढ़ रहे हैं, हम जान रहे हैं कि फॉरेन ट्रेड में कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती है। CHA के बिना तो ऐसा लगता है कि जैसे फॉरेन ट्रेड करना बहुत मुश्किल है, हो ही नहीं सकता। कस्टम की फॉर्मेलिटीज को पूरा करना, पोर्ट की फॉर्मेलिटीज को पूरा करना, माल को अनेक प्रकार से फॉरवर्डिंग में जो आने वाली फॉर्मेलिटीज हैं उनको पूरा करना, इसका काम CHA का होता है। CHA फॉरेन ट्रेड का 50% कार्य करता है और एंटरप्रेनर को, एक्सपोर्टर को या इंपोर्टर को बहुत सारी परेशानियों से मुक्ति दिलाता है। इसके साथ ही आते हैं कस्टम हाउस। देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी कस्टम हाउस पर होती है, साथ ही साथ इंपोर्ट किए जाने वाले माल को और एक्सपोर्ट किए जाने वाले माल को चेक करके देश की सुरक्षा की दृष्टि से कस्टम हाउस अपना योगदान प्रदान करता है।
लोकल और डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ये जो अगला पार्टी आती है इसमें फैक्ट्री से माल को पोर्ट तक पहुंचाना, ट्रक के द्वारा जा सकता है, ट्रेन के द्वारा जा सकता है, अन्य किसी वाहन के द्वारा जा सकता है, उसको कहते हैं लोकल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। और जब पोर्ट से विदेश की ओर माल प्रस्थान करता है उसको कहते हैं इंटरनेशनल लॉजिस्टिक सिस्टम या इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में एरोप्लेन हो सकते हैं, ट्रेन हो सकती है, ट्रक भी हो सकते हैं लैंडलॉक कंट्रीज के आसपास जहां ट्रकों से परिवहन होता है, पर शिप का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है क्योंकि अधिकांश बिजनेस, बल्कि बिजनेस, हेवी वेट का बिजनेस शिप के द्वारा ही ट्रांजिट किया जाता है। इसके साथ ही साथ पोर्ट्स एंड आईसीडीज, इनलैंड कंटेनर डिपो या ड्राई पोर्ट का भी अपना महत्वपूर्ण योगदान होता है। पोर्ट पर जहां शिप आते हैं, माल आता है, माल को रखा जाता है, अनलोड किया जाता है, अपलोड किया जाता है, ऐसे पोर्ट्स और आईसीडी या इनलैंड कंटेनर डिपो या ड्राई पोर्ट के बिना फॉरेन ट्रेड किया जाना शायद संभव नहीं है। इसके बाद आता है सबसे महत्वपूर्ण कंटेनर सप्लायर्स। फॉरेन ट्रेड में अधिकांश माल कंटेनर्स के अंदर पैक होकर जाता है, सील्ड होकर जाता है ताकि माल सुरक्षित एक देश से दूसरे देश में पहुंचे। तो कंटेनर सप्लायर कंपनीज की भी आवश्यकता इस ट्रेड में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो इस प्रकार हम आज ये समझे हैं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में अनेक प्रकार की पार्टीज इन्वॉल्व होती है। हमने जैसा आपको वादा किया था बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल आसान तरीके से फॉरेन ट्रेड सिखाएंगे और उसकी इस कड़ी में आज पार्ट थ्री एजुकेशन के इस पार्ट थ्री में हमने आपको बताया कि इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, शिपिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी, सीएचए, कस्टम हाउस, इनलैंड कंटेनर डिपो, कस्टम हाउस और कंटेनर सप्लायर आदि अनेक अनेक पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट होता है, तभी जाकर एक्सपोर्ट या इंपोर्ट की डील फाइनल होती है। मुझे लगता है मेरे बताए हुए इस आसान तरीके से आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट का पूरा ट्रेनिंग घर बैठे बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा और आप इस बिजनेस को जरूर कर पाएंगे। आप देखते रहिए आने वाले वीडियो जिसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप और अधिक नॉलेज प्रदान करेंगे। पूरा फॉरेन ट्रेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस इसी तरह बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल आसान तरीके से आप तक पहुंचाएंगे। हम उम्मीद करते हैं आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करके अपनी आर्थिक स्थिति को संपन्न करेंगे, देश को संपन्न करेंगे। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, सी यू अगेन, बाय बाय, थैंक यू।